ब्रांड ने अपनी एक और नई स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, दैट इज डीजो वॉच डी स्मार्ट वॉच। इसका लॉन्च प्राइस है 2000 रुपीज। थोड़े दिनों में इसके प्राइसिंग बढ़ने ही वाले हैं और मुझे लगता है डीजो ब्रांड ने बिल्कुल ठेका लेके रखा हुआ है। जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड, सब पे बिल्कुल वॉच निकाल के ही रहेंगे। पहले डीजो वॉच आर आई, फिर एस आई, अब डी आई है। आगे देखते हैं क्या क्या ये लॉन्च करते रहते हैं। और मैं इसको लगभग 3 दिनों से यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से इसकी बिल्कुल ग्रिलिंग कर चुका हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो इसकी बैटरी दी गई है, जो कंपनी ने क्लेम किया, आपको 14 डेज का बैटरी लाइफ क्लेम किया गया है बड़े डिस्प्ले के बाद भी। इसमें आपको 1.8 इंच का आपको बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा और मैं इसको 3 दिन से बिल्कुल अच्छे से ग्रिल कर रहा हूँ। अभी भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी बची हुई अप्रॉक्सीमेटली 63%। सो भाई, अगर आप इसको बिल्कुल हैवी यूसेज करते तो आराम से 5 से 6 दिन का बैटरी लाइफ निकाल देगी। अगर आप नॉर्मल यूसेज करते तो आराम से 8 से 10 दिन के आसपास बोल सकते हैं बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही कम यूज करते हैं, बिल्कुल आप मिनिमम यूसेज करेंगे, तो जो कंपनी ने बैटरी लाइफ क्लेम की गई है आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सो बैटरी पार्ट को लेकर मैं काफी इंप्रेस हुआ और बहुत सारे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, एप्लीकेशन कैसे वर्क करती हैं, कितनी आपको स्मूथनेस मिलने वाली यूजर इंटरफेस में, जो भी चीजें हैं मैं आपको पूरी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में, ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाए कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहाँ पे आपको डीजो वॉच डी स्मार्ट वॉच का ऐसा बेसिक सा बॉक्स मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक यूजर मैनुअल, इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, एंड डीजो एप्लीकेशन का क्यूआर कोड भी मेंशन किया गया है। एक्जैक्टली कैसे एप्लीकेशन वर्क करती है हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पे एक यूएसबी टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। और आप देख सकते हैं फ्रंट में ही आपको 1.8 इंचेस का आपको बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है, एंड प्रॉपर आपको यहाँ पर कर्व्ड ग्लास भी मिल जाएगा, एंड बेजल्स भी बहुत ही आपको कम मिलने वाले हैं इसके स्क्रीन में। एंड साइड में आपको बिल्कुल प्रॉपर मेटल फिनिश की आपको शाइनिंग बॉडी मिल जाएगी। डीजो का छोटा सा आपको यहाँ पे एक मल्टीफंक्शन बटन भी दिया गया है, एंड बैक साइड में यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, सेंसर्स मिलने वाले हैं, हम आगे एक्जैक्टली चेक करेंगे इसकी ट्रैकिंग एक्टिविटीज। एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर 22mm का सिलिकॉन स्ट्रैप मिल जाएगा, इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड अगर हम इसके लुक एंड फील की बात करेंगे, आप देख सकते हैं अगर आपकी मेनली हाथ की कलाइयां बड़ी हैं या आपको बड़े डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच चाहिए, लुक एंड फील से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, यहां पे आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का स्मार्ट वॉच मिल जाएगा। एंड अगर हम इसके यूजर इंटरफेस की स्मूथनेस की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं काफी आगे आपको स्मूथ यूआई मिल जाएगा। ऐसा लैग तो मुझे फील नहीं हो रहा था, लेकिन आपको हो सकता है कभी कभी जो एक्सीडेंटल टचेस हैं वो आपको फेस हो सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं एक्सीडेंटल टचेस हो सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट यूआई आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मैनेजेबल यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, अच्छे तरीके से आप एक्सेस कर पाएंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड अगर आप स्क्रीन पे ही लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो यहां पे आपको जो बिल्ट इन वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे अपने हिसाब से, कोई सा भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर पाएंगे, एंड काफी अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पे देखा जाए तो। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन, जो भी आपको नोटिफिकेशन चेकआउट करने हैं यहां पे आप रीड कर सकते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे यहां पे आप डिलीट कर सकते हैं, यहां पे आपको नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन से अगर आप स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो यहां पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्टिवेट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। टैप टैप करके आप ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और अभी मैं बिल्कुल आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस को फुल कर चुका हूं। इसको आप डेफिनेटली आउटडोर कंडीशन में अगर हैवी सनलाइट में भी यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके एक्सेसिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल आपको परफेक्ट इसमें आउटपुट मिल जाएगा डिस्प्ले पार्ट को लेके। एंड इसके अलावा मिल जाएगा यहाँ पे बैटरी सेविंग का ऑप्शन, वेक एंड रेस का फीचर दिया गया, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड इसका जो वेक टू रेस फीचर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, जब भी मैंने इसको देखा तो बिल्कुल सही तरीके से रिस्पॉन्स भी किया, बिल्कुल एक्टिवली रिस्पॉन्स किया इसके वेक टू रेस फीचर को लेकर, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड अगर हम व्यूइंग एंगल्स की बात करेंगे, आप देखेंगे हर एंगल से अगर आप स्मार्ट वॉच को देखेंगे तो आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाएगी इसके व्यूइंग एंगल्स को लेकर, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी अभी तक तो। एंड साथ ही में आपको मिल जाएगा फ्लैश लाइट का ऑप्शन, अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स पार्ट मिल जाएगी, सेटिंग्स में आपको मिलने वाला है वॉच फेसेस। एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, 30 सेकंड्स का आपको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम दिया गया है, मिनिमम यहाँ पे आपको 5 सेकंड्स दिया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको नहीं मिलने वाला है, मैक्सिमम आप 30 सेकंड सेट कर सकते हैं। मेन्यू स्टाइल में आपको 9 ग्रिड्स और लिस्ट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड वाइब्रेशन अलर्ट्स मिलने वाला है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, सॉफ्ट वाइब्रेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन अलर्ट्स चाहिए, यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन, बैटरी सेविंग का ऑप्शन, क्यूआर कोड दिया गया है, फिट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिडेंटरी रिमाइंडर को ऑन ऑफ करना है, गोल अचीव को ऑन ऑफ करना है, या ड्रिंक वाटर रिमाइंडर को ऑन ऑफ करना है, या हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर है, यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड पावर ऑफ का ऑप्शन, रीसेट का ऑप्शन, रीबूट एंड अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा इस सेटिंग्स पार्ट में ही। एंड जो साइड में बटन दिया गया है, जो डीजो ब्रांडिंग का बटन दिया गया है, अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिविटीज मिल जाएंगी, जो भी आपने की हुई दिन भर में एक्टिविटीज, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर का ऑप्शन, वेदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन से कनेक्ट करके यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से वेदर डिटेल्स। म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया, जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आप प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, सही तरीके से वर्क की एप्लीकेशन पार्ट भी, इसको लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी अभी तक तो।
एंड अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी पूरी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, एक्टिविटी डेटा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग, वर्कआउट्स। यहाँ पे आपको 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको लिमिटेड स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे स्मार्ट वॉच में, लेकिन आप एप्लीकेशन से सिंक्रोनाइज करके आप कर सकते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड यहाँ पे आपको साथ में मिलने वाला है वर्कआउट रिकॉर्ड्स, आप चेकआउट कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक का ऑप्शन, वेदर इन्फॉर्मेशन, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको कर सकते हैं, फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सेटिंग्स पार्ट में आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं क्या आपको मिलने वाला है। सो ये सब आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच में। एंड अगर हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन की, किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे आपको साइलेंट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर की बात करेंगे, आपको काफी हद तक बिल्कुल एक्यूरेसी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं दोनों ही इंस्ट्रूमेंट किट्स में भी और आपको जो स्मार्ट वॉच में है आपको काफी हद तक बिल्कुल सिमिलरिटी मिल रही है हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेके। ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट में बिल्कुल आपको यहाँ पे काफी तक एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देगा, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अगर आप प्लेस करेंगे सही आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। और इसमें आपको 5 ATM वाटरप्रूफ फीचर भी मिलने वाला है, अगर आप स्विमिंग करते हैं या शॉवर के टाइम भी इसको यूज करते हैं। मैंने काफी देर तक इसको शॉवर के टाइम भी यूज किया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल सही तरीके से परफेक्टली वर्क की स्मार्ट वॉच, इसका वाटरप्रूफ फीचर सही तरीके से वर्क करता है। एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, जो डीजो एप्लीकेशन है मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। एंड कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप मी पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो नो डिवाइस एडेड है यहाँ पे अगर आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो डीजो वॉच डी है यहाँ पे, तो मेरे को नोटिफिकेशन इसका कोई दिखा नहीं रहा है, तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका क्यू आर कोड है स्मार्ट वॉच में आपको यहाँ से स्कैन करना है, फिर ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा स्मार्ट वॉच को एंड सिंपली आपको स्मार्ट वॉच में यहाँ पे यस करना है, तो जो आपका कनेक्शन है स्टैब्लिश हो जाएगा एप्लीकेशन पार्ट से, यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है, इसके बाद आप एप्लीकेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर हम इसकी बात करेंगे फ्रंट पेज पे आपको बिल्कुल सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग, जो भी आपने वर्कआउट्स किए दिन भर में, आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग चेक कर पाएंगे एंड यहाँ पे आपको पूरी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपकी एक्टिविटीज के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड मी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डीजो वॉच डी में दिखा देगा बैटरी परसेंटेज कितनी बची है आपकी स्मार्ट वॉच में। एंड साथ ही में आपको स्विच सेंटर दिया गया है जो कि है आपके वॉच फेसेस का ऑप्शन, इसमें आपको 150 प्लस वॉच फेस मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन में, अपने हिसाब से कोई सा भी आप सेट कर पाएंगे, यहाँ पे अपडेट भी होते रहते हैं टाइमली। कस्टम डायल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपको टेक्स्ट डायल कैसा चाहिए, अगर आपके फोटो सेव्ड है आपके फोन में वो आपको वॉच फेस में लगाने हैं वो भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो पोजीशन है टाइम का आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर बढ़िया तरीके से कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, इसको लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड अगर हम बैक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि सिर्फ इस एप्लीकेशन के साथ ही वर्क करता है, सिंपली स्मार्ट वॉच में जो दिया गया है यहाँ पे शटर उसको आप टैप करेंगे एप्लीकेशन से वर्क करके इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन जिसमें आपके जो भी नोटिफिकेशंस है मतलब आपके जो भी एप्लीकेशंस है आपके स्मार्टफोन में आपको किस किस के नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच पे यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन, कॉल रिमाइंडर को आप ऑन ही रखिएगा अगर आपको अलर्ट्स चाहिए कॉल के, तो जैसे मैं आपको बताया था। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन सेटिंग्स में आपको रिमाइंडर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेंडर रिमाइंडर, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन चाहिए अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं कब कब ये नोटिफिकेशन दे। एंड हार्ट रेट सेटिंग में आप जाके जो 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, वार्निंग अगर आपको चाहिए अगर आपकी हार्ट रेट जो बीट से ज्यादा हो रही है कब आपको एक्जैक्टली वार्निंग चाहिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे जो आपकी स्मार्ट वॉच यहाँ पे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपको चाहे तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डीजो वॉच डी में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो अपग्रेड का ऑप्शन है यहाँ पे टाइमली अपडेट्स भी आते रहते हैं अपडेट कर सकते हैं। एंड आपको यूनिट सेट करनी है आपको कौन सी एक्जैक्टली मेजरमेंट चाहिए किस यूनिट्स में यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइम फॉर्मेट, आपको 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट चाहिए, 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट चाहिए यहाँ से सेट कर पाएंगे। एंड इसके अलावा आपको फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन मिल जाएगा और मोर स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं अपनी डेली अपने हिसाब से आप सेट करके सिंक्रोनाइज करेंगे स्मार्ट वॉच में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाएगी, उस हिसाब से फिर आप ट्रैकिंग एक्टिविटीज ट्रैकआउट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू ही। सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो लॉन्च प्राइस दिया गया है 2000 रुपीज, बिल्ड क्वालिटी से, लुक एंड फील से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, मेनली अगर आपकी हाथ की कलाइयां बड़ी है या आपको बड़े डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच चाहिए। लुक एंड फील के मामले में इसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं, स्ट्रैप क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी, 22mm के आपको साइज के स्ट्रैप मिलेंगे एंड पूरी आपको मेटलिक शाइनिंग बॉडी मिलने वाली है। अच्छा आपको डिस्प्ले भी मिल जाएगा, आउटडोर कंडीशन में डेफिनेटली आप यूज कर पाएंगे, विजिबिलिटी पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड जिसका यूजर इंटरफेस दिया गया है मेरे को थोड़ा बहुत लगा के और परफेक्ट दे सकते थे,
थोड़ी बहुत जो स्मूथनेस है, आपको जो एक्सीडेंटल टचेस होते हैं वो आपको लग सकते हैं कहीं ना कहीं आप यूजर इंटरफेस में फेस कर रहे हैं। तो यूजर इंटरफेस में बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना परफेक्ट बोलते हैं ना, वो मेरे को हल्का फुल्का मिसिंग लगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज मुझे लगा इस स्मार्ट वॉच में। एंड जो अलग अलग आपको सेंसर दिए गए हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, काफी तक आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देंगे। और जो आपकी ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, हालांकि इसमें आपको बिल्ट इन जीपीएस नहीं मिलने वाला है, आपको थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। मैंने काफी देर तक एक्सरसाइज भी की थी, अलग अलग वर्कआउट्स भी की थी, इसमें जो 110 स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए वो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है, इसको आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी आपको स्पोर्ट्स मोड्स यूज करने के हिसाब से आप बिल्कुल पिक करके सिंक्रोनाइज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 स्टेप्स चलें तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 90 के आसपास दिखाएगी या 85 के आसपास दिखाएगी, थोड़ी बहुत ही मुझे लगे कम स्टेप्स दिखा रही थी। अगर आप एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे, जीपीएस ऑन करेंगे अगर आप मोबाइल फोन में, तो आपको फिर भी थोड़ी बहुत बेटर एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आप बिना जीपीएस के यूज करते हैं, मतलब बिना एप्लीकेशन के यूज करते हैं, तो आपको हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से, ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ये एक डिसेंट पैकेज है। अगर आपको एक बिल्कुल अच्छे लुक एंड फील के आपको स्मार्ट वॉच चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, थोड़ा बहुत जो यूजर इंटरफेस है मैंने आपको जैसे बताया हल्का फुल्का मेरे को लग सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, उसमें जो एक्सीडेंटल टचेस है आपको कहीं ना कहीं लग सकते हैं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी स्मार्ट वॉच से। काफी तक आपको प्रीमियमनेस मिल जाएगी स्मार्ट वॉच में। मैंने आपको सब बता दिया इसके प्रोज एंड कॉन्स, आप पे डिसीजन मैटर करता है कि आपको इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। सारे के सारे मैंने पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड डीजो वॉच डी स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.